हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम वाइट चॉकलेट बनाएंगे। वाइट चॉकलेट खाने में तो सभी को बहुत अच्छी लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर ही कैसे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से वाइट चॉकलेट बना सकते हैं, जो कि मोस्टली हम सभी के घरों में अवेलेबल होते हैं। तो आइए वाइट चॉकलेट बनाना शुरू करते हैं। वाइट चॉकलेट बनाने के लिए मैंने ये आधा कप बटर ले लिया है, 1/4 कप मिल्क पाउडर और ये 1/4 कप पिसी हुई चीनी ले ली है। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें 2 कप पानी डालेंगे। तो यहाँ मैंने पैन में 2 कप पानी डाल दिया है, तो अब हम पानी में एक उबाल आने देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ गया है। तो अब हम इसके ऊपर ये कांच का एक बड़ा बोल रख देंगे, गैस की फ्लेम लो मीडियम रखेंगे और इसमें आधा कप बटर डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह कोकोनट ऑयल या फिर कोको बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बटर को इस तरह मेल्ट करेंगे। तो ये चॉकलेट बनाने के लिए हम डबल बॉयलर का यूज़ कर रहे हैं, पर यह ध्यान रखेंगे कि इसे हमें डायरेक्ट गैस पर नहीं बनाना है। तो ये हमारा बटर भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हम इसमें 1/4 कप पिसी हुई चीनी डालेंगे। तो यह मैंने चीनी को अच्छे से ग्राइंड करके एक बारीक कपड़े में छान लिया है, क्योंकि चॉकलेट्स बनाने के लिए हमें एकदम बारीक चीनी का ही यूज़ करना है, क्योंकि तभी हमारी चॉकलेट्स एकदम स्मूथ बनेंगी। तो अब हम एक बिस्कुट लेंगे और चीनी को बटर में इस तरह अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और इसे भी बिस्कुट की हेल्प से इस तरह अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी वाइट चॉकलेट का एकदम स्मूथ मिक्सचर बनकर रेडी है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे तुरंत ही मोल्ड्स में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि चॉकलेट का मिक्सचर बहुत जल्दी जमने लगता है। तो ये चॉकलेट बनाने के लिए मैंने एक सिलिकॉन का मोल्ड ले लिया है। ये आपको मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो अब हम इस चॉकलेट के मिक्सचर को तुरंत ही मोल्ड्स में डालेंगे। तो यह ध्यान रखेंगे कि हम गरम गरम मिक्सचर को ही मोल्ड्स में डालेंगे, क्योंकि चॉकलेट बहुत जल्दी सेट होने लगती हैं। पर अगर आपके पास चॉकलेट मोल्ड नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप इसकी जगह आइस ट्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यह मैंने सारी चॉकलेट्स को इस तरह फिल कर लिया है। तो अब हम इस मोल्ड को इस तरह हल्का सा टैप कर देंगे और इसे 1 या 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, ताकि हमारी चॉकलेट्स अच्छे से सेट हो जाएं। तो यह 2 घंटे हो गए हैं, हमारी चॉकलेट्स अच्छे से सेट हो गई हैं। तो अब हम इन्हें इस तरह डिमोल्ड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी चॉकलेट्स कितनी इजीली निकल आई हैं और कितनी स्मूथ बनी हैं। तो अब हम इसी सेम तरीके से सारे चॉकलेट्स को डिमोल्ड कर लेंगे। तो यह मैंने सारे चॉकलेट्स को डिमोल्ड कर लिया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चॉकलेट्स बनकर तैयार हुई हैं। आप इन होममेड चॉकलेट्स को 1 महीने फ्रिज में रखकर यूज़ कर सकते हैं, और इन्हें आप फैमिली मेम्बर्स या फिर अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट भी कर सकते हैं, उन्हें ये बहुत पसंद आएंगी। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।